एग्जाम में लास्ट 15 मिनट्स में आंसर शीट कैसे रिवाइज करें, उसके लिए तीन टिप्स है आप सबके लिए, ताकि पेपर अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा जाए। नंबर वन, क्रॉस चेक करो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं कि नहीं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टिक करते रहो, एंड अगर कोई क्वेश्चन रह गया है उसे फटाफट से अटेम्प्ट कर लो। एंड ऑल्सो जो लास्ट पेज है क्वेश्चन पेपर का उसे डेफिनेटली चेक करना, ताकि कोई भी 5 मार्कर क्वेश्चन आपका गलती से भी छूट ना जाए। नंबर टू, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में मेक श्योर कि जो यूनिट्स हैं वो आपने डेफिनेटली लिखे हो। केमिस्ट्री में प्लीज इंश्योर कि इक्वेशंस जो है वो बैलेंस्ड हो, एंड बायोलॉजी में डायग्राम्स वेल लेबल हो, ताकि साइंस में एज अ होल हम कोई स्कोप ना छोड़े मार्क्स कटने की। नंबर थ्री, अगर आपके पास टाइम बचता है देन अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो आपके आंसर में लिखे हुए हैं, इससे आपकी आंसर शीट और प्रेजेंटेबल दिखेगी एंड ज्यादा नीट होने से एक अच्छा ही इंप्रेशन पड़ता है। सो बस ये तीन टिप्स फॉलो करो और बिल्कुल भी मत डरो।